हेलो दोस्तों, प्रयास चैरिटेबल संस्था में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 11 सार लेखन के पार्ट 2 की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने सार लेखन कैसे करना है, उसके क्या क्या चरण होते हैं वो हमने देखा था। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक उदाहरण से। ओके, शुरू करते हैं। भारत का काव्य रूपी आकाश मंडल अगणित प्रभा पूर्ण जुगनुओं से देदीप्यमान है, पर तुलसीदास का तेज उज्ज्वलता और चमत्कार तथा उनकी प्रदीप्त क्रांति और कीर्ति सबसे बढ़ चढ़कर है। वे आकाश मंडल के असंख्य तारों के बीच मध्याह्न कालीन प्रचंड मारतंड के समान प्रकाशमान है। किसी ने कहा भी है कि तुलसीदास हमारे ही नहीं बल्कि हमारी आगामी संतानों के लिए भी एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का है, उसे कहीं ऊंचा स्थान हम हिंदी साहित्य में तुलसीदास को देते हैं। और क्यों न दे, ये कोरे कवि नहीं थे, वरन ये तो एक अद्वितीय चरित्र वाले कवि, सम्राट, परमोच्च श्रेणी के संत, राम के अनन्य भक्त, धर्म और नीति के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, गंभीर तत्वों को सरल सरस शब्दावली में समझाने वाले उपदेशक और भविष्य के गर्भ में निहित घटनाओं को बताने वाले महात्मा भी थे। तो ठीक है, अभी हमने एक उदाहरण अनुच्छेद देखा, अभी उसका सार लेखन करना है। ओके, हमें तो हमने ये पढ़ा, उसमें हमें पता चला कि इसका मूल भाव क्या है, यानी कि किस बारे में बात करी जा रही है, तुलसीदास की महत्ता के बारे में। ओके, यानी कि तुलसीदास के महत्व के बारे में बात करी जा रही है ना। तो इस मूल भाव को पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदु कौन से हैं, यानी कि तुलसीदास के महत्व को और कौन उजागर कर रहा है इसमें, तो वो भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि है, तुलसीदास उनमें अधिक श्रेष्ठ है, वो कोरे कवि नहीं बल्कि चरित्रवान है, राम भक्त है, महात्मा, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक है, सरल भाषा में गूढ़ार्थ बताने वाले उपदेशक है तथा भविष्य दृष्टा भी है। तो ये सारी बातें उनको की गई है कि जिससे तुलसीदास का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो उसके क्या हो गए, संबंधित बिंदु हो गए। तो ऊपर इन बिंदुओं को व्यवस्थित क्रम भी दे दिया गया, तो हमने इसको क्रम भी दे दिया। हमने पिछले पार्ट में देखा था ना कि उसके 5 चरण होते हैं, सबसे पहले उसका मूल भाव, फिर उसके संबंधित बिंदु, और फिर तीसरा क्या होता है, उसको क्रम देना, तो हमने उसको क्रम भी दे दिया। ओके, फिर देखें कि उक्त गद्यांश में कौन कौन से अंश व्याख्या उदाहरण और दोहराव की कोटि में आते हैं। तो अभी क्या करना है, जो अनावश्यक चीज़ है हमारे सार के लिए उसको हमें नहीं लिखना है, राइट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी अनावश्यक चीज़ें हैं। तो गद्यांश फिर से पढ़ना और देखना कि इसमें व्याख्या कौन सी है, उसमें उदाहरण क्या दिए गए हैं और उसमें दोहराव कौन कौन से। दोहराव माने एक ही बात बार बार, कौन सी ऐसी बात है जो बार बार बोली गई है। ओके, तो वे इस आकाश मंडल के वे इस आकाश मंडल के असंख्य तारों में मध्याह्न कालीन मारतंड के समान प्रकाशमान है। यहाँ तक इसी बात की व्याख्या की गई है कि तुलसी का तेज काव्य रूपी आकाश मंडल में सर्वाधिक बढ़ चढ़कर है। ओके, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने शेक्सपियर का उदाहरण दिया है कि जैसे अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का स्थान है, उससे कई ऊंचा हिंदी साहित्य में कौन किसका है, तुलसीदास का है। ठीक है, तो वे अद्वितीय चरित्र वाले कवि, सम्राट, परमोच्च श्रेणी के महात्मा थे। इससे आगे उन्होंने इसी भाव की व्याख्या और ऊपर आए भाव को दोहराया है, यानी कि बार बार एक ही बात को रिपीट करी है। ठीक है, तो सार लेखन करते समय हम इन 3 चीज़ों को छोड़ सकते हैं। कौन सी 3 चीज़ें, उदाहरण दोहराव और व्याख्या। ठीक है, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित भाषाई कौशल का भी प्रयोग करता है ना। अपनी भाषा को वो ज़्यादा सामने वाले समझ सके, ऐसे तरीके से वो लिखना चाहता है, कोई भी लेखक हो या कवि हो। तो वो उसमें क्या क्या यूज़ करता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ यूज़ करता है, कथाएँ यूज़ करता है, अलंकार यूज़ करता है, सुक्तियाँ और उदाहरण तथा विशेष शैली। ठीक है, उक्त गद्यांश में बढ़ चढ़ कर होना वो क्या है, एक मुहावरा है। काव्य रूपी आकाश यानी कि इसमें रूपक अलंकार है। ओके, तो किसी ने
कहा है कि वाक्य में क्या है, उदाहरण अगणित प्रभा पूर्ण जुगनू, तो वाक्य में दो विशेषण है और बहुत सी संज्ञाएं भी है। क्यों न दे, ये कहकर उन्होंने विशेष विशेष शैली का भी प्रयोग किया है। तो हम ऐसी जो बातें हैं उसको छोड़ सकते हैं। अब हम उक्त गद्यांश का सार लिखने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सार लिखते समय भाव तो लेखक का रखना होता है, यानी कि लेखक ने जो बात करी है, जो भाव उसने लेखक ने दिया है, वो भाव हमारे सार में वैसे का वैसा रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। किंतु भाषा अपनी रखनी होती है। लेखक की भाषा लेने पर उपयुक्त सार लेखन बहुत कठिन हो जाता है, यानी कि अगर लेखक की तरह हम सार लेखक ने जैसा वर्ड यूज़ किया है वैसे ही हम सार लेखन लिखने जाए तो नहीं होगा। इसलिए हम अपनी तरीके से सार लेखन लिख सकते हैं, लेकिन भाव जो है वो लेखक का उसमें यथावत रहना चाहिए, ठीक है। फिर जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा, अनुच्छेद पढ़ा, उसको हम सार लेखन करेंगे तो क्या होगा कि भारत में असंख्य श्रेष्ठ कवि है, पर तुलसीदास उनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कोरे कवि नहीं है बल्कि चरित्रवान, राम भक्त, महात्मा, दार्शनिक और पद प्रदर्शक, सरल भाषा में गुडर्थ बताने वाले उपदेशक तथा भविष्य दृष्टा भी थे। तो ये क्या हो गया, पूरा उसका एक तिहाई सार लेखन हमने तैयार कर लिया, ओके। जो अनुच्छेद होता है सार लेखन उसका क्या होता है, एक तिहाई होता है, ओके। तो हमने इसमें से अनुच्छेद में से व्याख्या, दोहराव, उदाहरण, ये सब कुछ निकाल दिया और हमने सार लिख लिया, ठीक है। सार लिखने के बाद यह भी अवश्य देख लेना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट तो नहीं गया, ठीक है। जो मेन बात कही कहने वाली थी वो हमने ना लिखी हो ऐसा तो नहीं हुआ, या फिर जो नहीं लिखना था वो हमने लिख दिया ऐसा कुछ हुआ, तो एक बार फिर से अपना सार जो लिखा है वो एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये हो गई सार लेखन कैसे करता है। अब बात करते हैं कि सरकारी कार्यालयों में सार लेखन होता कैसे है, सरकारी कार्यालयों में, ओके। तो सरकारी कामकाज में हर फाइल में कागज़ों का ढेर बढ़ता जाता है। एक फाइल में कागज़ों का निपटारा कई सीटों, डेस्कों तथा काउंटरों से गुजर कर कई अधिकारियों के हस्ताक्षरों से भी तो कभी कभी कई विभागों तक घूमकर हो पाता है ना। हम सरकारी कामकाज के लिए कुछ भी करने जाते हैं तो हमें यहाँ से वहाँ से उसकी साइन लेके आओ, इसकी साइन लेके आओ, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, है ना। तो अधिकारियों के हस्ताक्षरों तथा कई कई बार तो कई विभागों तक घूमकर हो पाता है हमारा काम, है ना। तो अतः समय को बचाने के लिए सहायक द्वारा पत्रों का सार तैयार कर दिया जाता है, ताकि आगे की कार्यवाही के लिए भी सभी पात्रों को अनिवार्य रूप से न पढ़ना पड़े। फाइल पुरानी हो जाने पर प्रायः पूरी फाइल के महत्वपूर्ण बिंदु भी सबसे ऊपर लिख दिए जाते हैं, यानी कि जो कोई भी फाइल है उसको उसका सार तैयार करके उसके ऊपर उसको लगा दिया जाता है, ताकि जो कोई भी अधिकारी उसको पढ़े तो उसको ऊपर से ही पढ़ के, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ के ही वो जान ले कि पत्र में क्या है, किसके बारे में बात करेगी, ताकि उसका टाइम भी बचे, है ना। फिर फाइल पुरानी हो जाने पर प्रायः पूरी फाइल के महत्वपूर्ण बिंदु भी सबसे ऊपर लिख दिए जाते हैं। सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। साथ ही सबसे पहले उसमें क्या लिखा जाता है, क्रम संख्या लिखी जाती है। कोई भी पत्र का सार तैयार कर रहा है, ठीक है, यानी कि सरकारी पत्रों का सार तैयार कर रहे हो, सरकारी पत्रों का, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक तो क्रम संख्या होनी चाहिए, अधिकारी के पद का नाम आएगा, ये बातें नहीं भूलनी है, ठीक है, संबंधित विभाग और मंत्रालय का नाम आएगा, पत्र संख्या तथा दिनांक ये उल्लेख करना आवश्यक होता है, ओके। तो ये हो गई सरकारी कार्यालयों में सार लेखन होता कैसे है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि सार लेखन करना कैसे है, क्या उसके चरण होते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।